यो गाइस, आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए और हम जा रहे हैं देहरादून। वहां पे हमारे फ्रेंड ऋत्विक के घर पे रुकेंगे। बाकी गाइस, आज आपको मैं अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ, सभी से मिलवाते हैं आपको। ये हैं भाई हमारी मम्मी जी। हेलो, और ये यहाँ पे हमारे विवेक भाई बैठे हुए हैं और ये मेरे मामा जी का लड़का है। हेलो कर दे भाई सबको। और बाकी भाई, ये मामा जी का छोटे वाला लड़का, बड़ा शैतान है ये। ये नहीं बोलने वाला। हेलो गाइस। हेलो, बढ़िया लौंडे। और भाई ये हमारी बड़ी दीदी अन्नु। और ये भाई हमारी मौसी जी है। ये मेरी मौसी जी की लड़की हमारी रिया दीदी। और सबसे बड़ी हमारी बड़ी मम्मी। बाकी यार, निकलते निकलते बहुत लेट हो गए हैं और सीधा निकलते हैं, आपको वहां पे पहुंच के ही बताएंगे क्योंकि यार रात का टाइम हो गया और बहुत ज्यादा धुंध पड़ेगी। और उसी रोड से जा रहे हैं भाई हम जिससे ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, वो दबला देख देख के आराम से चलेंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे धुंध में आराम आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, ले लो प्रभु का नाम। हर हर स्टाफ, लेकिन स्टाफ चलने के बाद भी जब भी टोल से निकलते हैं तो भाई फास्ट टैग कट जाता है, उसका जुगाड़ कर रहे हैं। बीच में से दुकान से टेप खरीदी और टेप चिपका रहे हैं। यार स्टाफ तो चलाना ही पड़ेगा। लाओ ऑटो। ये मेरी मौसी यार छोटी पड़ेगी भाई, गाड़ी तक पहुंच नहीं पा रही, रुको लटके रही वही, मैं गाड़ी ने लटक दो फिर मैं लगाता हूँ। वैसे यार पूरा कोड पे तो हमने पूरा सिस्टम कर दिया, इसका हैंग भाई बोड़ा तो नीचे है, बाकी अपना स्टाफ पूरे इंडिया में चलता है। यो पहने चुतड़ा आला भी कितना हो जा कने चुमान लग जा है। ए तेरे पहने चुतड़ है। हाँ जल फालतू बोलेगा उसी के चुबामा। मेरे पास चार कुछ काम तो करना नहीं, यहाँ पड़ा यही चुबा दूँगा। ये देख लो भाई पहले चुतड़ों का फायदा। रात के 3 बजे हैं भाई और अब हम पहुंचे हैं यहाँ पे हमारी लोकेशन पे। ये हमारे ऋत्विक भाई का पूरा घर, क्या पूरी हवेली बना रखी है ऋत्विक भाई अरले, और ये पूरी खाली पड़ी रहती है। तो किसी को भी भाई देहरादून में मकान चाहिए हो भाई, Airbnb पे डालने वाला है, तो किसी को भी चाहिए हो बताना जरूर, अंदर से भी आपको दिखाएंगे। बहुत जबरदस्त बता रहे थे ऋत्विक भाई अपना घर। यार इतनी लेट हो गया है, सारे बिल्कुल थक गए हैं, सबकी हालत बिल्कुल खराब हो गई है। यहाँ पे अपने गद्दे लगा लिए हैं ऋत्विक भाई के हॉल में, और अंदर डबल बेडरूम है। यहाँ पे भाई मेरा अपना सोने का इंतजाम हो गया है। अब यार सीधा सो रहे हैं, अब सुबह ही देखेंगे क्या कुछ करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है कहाँ चलना है। बाकी देवकरण कैसा लगा तेरे को यहाँ पे आके है? कैसा लगा? बढ़िया लगा। आपको कैसा लगा वहां जी? अभी तो अच्छा है, आगे भी अच्छा होगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा। मेरे को गाइस बहुत मजा आ रहा है। ये हमारी मौसी को फुलौल बजा रहा है भाई, इसमें तो कुछ करा ही ना उससे पहला, जब मजा आ रहा है तो सोचो करने के बाद क्या रखा। ये भी एक बहुत ही मजा था। तो यार सुबह के 10 बज गए, अब जाके उठा गया है, और रात को यार एक बीटी हो गई थी। हम लोग यहाँ पे पहुंचे, पहुंच के टाइम हो रहा था 3:30, मेरे लगा ऋत्विक जाग रहा होगा और ऋत्विक सोया पड़ा था, तो फिर हमें इस आइडिया हो गया था कि ऋत्विक का घर कहाँ पे है। बाकी ये जो मेन गली है यहाँ पे हमने हर घर का प्लेट नंबर उतर उतर के चेक किया रात को, और फिर बिल्कुल लास्ट में जाके गले लगभग 100 घरों में 1 घंटे भर चेक किया, उसके बाद जाके हमें ऋत्विक का फाइनली घर मिला। बोल बोलना। हाय गाइस। हाय गाइस। कैसे हो? कैसे हो? तो यार 12:30 बज गए, अब जाके नहा धो के अपना निकल रहे हैं। पहले जाएंगे हम FRI, वहाँ पे काफी बढ़िया बता रहे हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक की तरफ। और बाहर यहाँ पे हमारी लेडीज लोगों का फोटो सेशन चल रहा है भाई, सब अपना एंजॉय कर रहे हैं मस्त।
हाय एवरीवन, इट्स मी। ये देखो मेरी मम्मी यहाँ पर बम भी रखे हैं। बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आज इनका ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये आपको नए अवतार में दिखेंगी, ये बड़ी मम्मी है। हाय एवरीवन, बड़ी मम्मी इग्नोर करते हुए मैं कैसी लग रही हूँ। हम सारे देखो गर्ल गैंग, विक्ट्री साइन फॉर गर्ल्स। ये देखो भाई, बारे सारे चढ़ रहे हैं फोटो खिंचवाने, तो या फिर कब लोग बढ़ा रहे हैं। सारे हेलो कर दो, चिल्लाओ ना, डरा से नहीं होता। इधर देखते हैं फोन की तरफ। यो देखो भाई नजारा देखो, मस्त पहाड़ आवा गाड़ी की छत पे लगड़ गए फुल सिस्टम। गाइस अब देखो भाई गाड़ी दबाओगे यारे, गाड़ी सही साफ हो जाए, तगड़ा सिस्टम चल रहा है यारे, झरना चल रहा है, झरने में तो पानी का सौदा कर रखा है। जो भी आ रहा है अपनी गाड़ी धुला के लेके जा रहा है, हम भी अपनी गाड़ी धोते है यहाँ पे। मारा भी नंबर आ गया भाई, अबले भी बाढ़ दिए झरने के नीचे। भाई थोड़ी पाँच सी लेनी पड़ेगी, महाराज आज इतनी जल्दी अट्टा घूना रहे हो, ज्यादा ही कर जाता है। मस्त भाई गाड़ी नवा दी है, कती गाड़ी कती काची काट दी है। ये देखो भाई मस्त ऊपर झरना चल रहा है, ऐसा ही गाड़ी चमका दी है कती। चलो भाई चल रहे है यारे, सारे गाड़ी दौड़ती नंबर लेकर लगा रहे अपना अपना, और सारों पे जोड़े भाई हाथ पकड़ पकड़ के जा रहे इस टूटे उठे खंडर में जाके। बस ये और कुछ नहीं, बस अपने फोटो खिंचवा रहे हैं, बकचोदी पेल रहे हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच तो गए हैं, अभी गाड़ी भी अपनी बढ़िया पार्क कर दी है यहाँ पे एकदम। अब जाके आगे देखते हैं क्या कुछ सिस्टम है और फिर ऊपर कहाँ चढ़ना है। तो भाई यहाँ पे हाथी पांव पहुंच चुके हैं, यहाँ से समुद्री तल से ऊंचाई है 2093 मीटर, और बाकी अभी देखते हैं आगे चल के पीक पता करेंगे कौन सी है, कितनी चढ़ाई है, और फिर आपको दिखाते हैं भाई इस पीक के एवरेस्ट में जाना है। बाकी भाई पूरा मुश्किल लग रहा है, नीचे उतरते वक्त तो फुल स्पीड में आ गया है, ऊपर जाने में देखो पूरा सिस्टम हल जाऊंगा भाई, लेकिन फुल जाएंगे अपने मोस्ट। ये रिया जी सबसे आगे होके हमें लीड करती हुई। रिया कैसा लग रहा है आपको और आपको कैसा लग रहा है, सारे बता रहा भाई। और मुझे उससे ज्यादा मजा आ रहा है, मैं इनकी सब क्या हालत देखूंगा। लेडीज एक्साइटेड हो, चलो चलो लेट हो जाए, कभी सनसेट देख ले गए, मूनराइज ना देखना पड़ जाए। यहाँ से यार पीक स्टार्ट हो जाती है और व्हीकल आगे नहीं जा सकता यहाँ से, अगर किसी को जाना है तो ये ऐसी ईटीवी खड़ी हुई है यहाँ पे, उनसे पूछते हैं इनका प्राइस क्या है, लेकिन जाएंगे अपना पैदल ही। तो भाई ये ईटीवी वालों ने प्राइस बताया 100 रुपीज पर हेड। हाँ लूट रहे हैं, ये अपना बर्बाद करके छोड़ेंगे, तुम्हारा तेल ना लगा जितने इतना खाली है। अभी यार वो आए है तो यहाँ से गाड़ी में जाओ तो उसकी फील ही क्या हुई। यहाँ पे देखो हमारी मम्मी भी लीड कर रही है हमें, यार इतने जोश में शुरू किया था, लेकिन हमारी भी एक सवारी लुढ़क चुकी है, वो नीचे जाके बोल रही है कि मैं आ रही हूँ रिक्शा में। यार थक के हाल हो गया बुरा, बीच में रुकते रुकते हुए चलेंगे। ये देख लो सारों की हवा टाइट हो चुकी है बिल्कुल। तो भाई बहुत थक गए, बिल्कुल चढ़ाई बहुत स्टीप है, लेकिन अभी 1.2 किलोमीटर हो रहा है, लेकिन जाएंगे पैदल ही। 700 मीटर और रह गया भाई, हालत बिल्कुल टाइट है, लेकिन अपना मस्त जाएंगे भाई पैदल ही।
मस्त जोश में है। मैं तो काउंटिंग करते हुए जा रहे हैं तो पता नहीं चल रहा। पार्टी आती हुई सारे इकट्ठे हो जाए एक बारी फिर आते हैं। ऋषिता सहरावत कैसा लग रहा आपको? कुछ थकान हुई? कैसा लग रहा देवकरण? चढ़ जाएगा ना पूरा मन? कितनी थकान हो रही है, आवाज ही नहीं निकल रही इसकी तो। आपको कैसा लग रहा है बड़ी अभी बताओ? बहुत अच्छा रहा, पर तेल निकल गया बिल्कुल। सारों का ही निकल गया भाई तेल। अभी दो और आ रहे हैं, उनका वेट करते हैं, फिर इकट्ठे हो गए फिर से चलते हैं। यार रात ब्लॉक हो गए। ये भाई सर्जरी से बाद ये हालत होगी, वरना एक बारी में ये चोपटा वाला ट्रैक पूरा 11 किलोमीटर मैंने लगातार कर दिया था, लेकिन अब सर्जरी के बाद हमारे की ऐसी हालत होगी 1 किलोमीटर में भी बस तेल निकल गया हमारा। यार पहुंच गए हैं यहाँ से, आपको साथ वही लेके जाते हैं हम भी, क्या देखते हैं साथ में आपको भी दिखाते हैं। हालत बिल्कुल टाइट है भाई, बिल्कुल फटी पड़ी भाई। देखो भाई चढ़ते ही सूरज कितना तेज, हम तो सोच रहे थे कहीं सेट वेट ना हो जाए, लेकिन यहाँ पे फुल मस्त भीड़ लगी हुई है। ऐसे ऊपर जाने का भी थोड़ा और लग रहा है, बिल्कुल ऊपर चढ़ के ही देखेंगे। बाकी सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ से सही सनसेट एंजॉय होगा, अभी देखते हैं। गाइस पीक देखो सारे के सारे यहाँ पे तो पहुंच गए हम, यहाँ से सनसेट एंजॉय किया जा सकता है, लेकिन पूरी पीक यहाँ पे है भाई, यहाँ पे ही जाएंगे भाई, जरूर जाएंगे। अब इतनी दूर आए तो पूरा ही जाएंगे भाई, कोई सवाल नहीं बनता भाई, यहाँ से वापिस जाए। यहाँ से गाइस हेलीकॉप्टर के 5,000 रुपए मांग रहे हैं ये लोग, लेकिन हमने बस प्राइस जानने के लिए पता किया। पैदल चढ़ेंगे भाई बिल्कुल ऊपर, तब तक सनसेट भी बढ़िया हो जाएगा। वो हमारी बड़ी अम्मी आती हुई, उन्हें देखते हैं, उनसे आते ही उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। चलो कैसा लग रहा है पहुंच के? वो देखो यहाँ से काम नहीं चलेगा, वो चलना है वहां पे, अब इतनी दूर आए तो वहां पे भी चले गए, सीन तो वहीं पे मिलेगा, रेस्ट करके चलते हैं। गाइस अपनी मम्मी आ गई है, मम्मी जी का रिएक्शन तो लेना ही बनता है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ तक पहुंच के? वहां चलोगे ऊपर? बिल्कुल ऊपर कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारी मम्मी जी कह रही कोशिश करेंगे ऊपर तक जाने की। यहाँ से भाई नजारे देखो, देखो भाई नजारे, मजा आ गया भाई पहुंच के। चलो भाई अपना ऊपर का सफर शुरू कर रहे हैं तीनों हम, मेरी दो बहनें, ये दोनों रिया नो, ऊपर चलने से पहले हाय कर दो सबको। और मामा जी जा रहे हैं और हम चार लोग जा रहे हैं ऊपर। यो चलते भाई ऊपर चल के मिलते हैं, बीच में कहीं रुके तो आपको फिर वहां पे अपडेट देते हैं। ये नज़ारा देखो भाई, बीच में चढ़ते चढ़ते नज़ारे भी दिखा देंगे, इसी बहाने 2 मिनट रुकने का टाइम भी मिल जाएगा, सांस उतर जाएंगी। अभी अपना पूरा ऊपर जाएंगे मस्त। राइज ले लिया दूसरा ब्रेक, दूसरे ब्रेक का बीच का सीन देख लो, अब आपको दिखाते हैं फ्रंट कैमरे से चारों की हालत कैसी है। राइज चारों बता दो कैसा लग रहा है भाई? बहुत मजा आ रहा है, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा। गर्ल्स गर्ल्स भाई सीन ऐसा है, गोडे टेक टेक के चढ़े हैं, चारों पैरों से चढ़ा गया है, वैसे चढ़ा भी नहीं जा रहा, लेकिन नजारा देखो बस थोड़ा ही रह गया है। ये हमारे शेर, शेरनी तू भी कर दे। ये देखो हम इतने ऊपर आ गए, हम इसको पिएंगे और ऊपर चढ़ेंगे, इसको एनर्जी लेंगे। गाइस यहाँ से भाई थोड़ा सा ही रह गया है, लेकिन नजारा देख लो हालत फुल टाइट हालत, मर गए हैं भाई सारे से सारे मर गए। और ये हमारी एक सिस्टर, ये मेरे पास एक ही है और यही भाई फाइनली पहुंच गए गाइस, ये नजारे देख लो। मेरा सारा मत लियो रियो, फाइनली अराइज।
ये देख लो भाई, सनसेट देखने आए थे, देख लो नजारे के मजे लो भाई। पहुंचने के बाद जो फीलिंग है ना, शब्दों में नहीं बता सकते भाई। ये सूरज देखो, ऐसा लग रहा है साथ में ही अपने भाई। इतनी जबरदस्त फीलिंग है ना, सोचने के बाद ही हटा सकता है, बिल्कुल शब्दों में बिल्कुल बयान नहीं हो सकती भाई। भाई नजारा देख लो, सनसेट देख लो। फिलहाल यहाँ से निकलने की पूरी तैयारी, जबरदस्त लग रहा है भाई। और भाई मजा आ गया, पूरा देखो वहां तक पहाड़ वाड़ सब कुछ आ रहे हैं सारे के सनसेट वगैरह। जो भाई बैठा हुआ है यार, बस 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 भाई, बस देख लो भाई सनसेट। फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन पार्ट टू।